नमस्कार दोस्तों, मैं आंचल आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किचन में कौन सी ऐसी दो चीज़ें आप ज़रूर करें जिससे कि आपका भाग्य जाग जाए, गुड लक आ जाए और आपके घर के हर मेंबर का सौभाग्य जागे। किचन में हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारा सौभाग्य जाग सकता है। इसी तरीके की दो चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगी जो कि करना बहुत आसान है, कोई आपको एक्स्ट्रा समय नहीं लगेगा उसे करने में, बाज़ार से भी कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा, बस आपको वो दो चीज़ें करनी है, डेली करनी है जिससे कि आपके घर में गुड लक आएगा, जो भी उस किचन से खाना खाएगा उसका सौभाग्य जागेगा, उसके लिए अच्छा होगा। दोस्तों पहली चीज़ क्या है आइए मैं आपको बताती हूँ। हमेशा अपने किचन में आपको एक बाल्टी पानी भरकर रखना है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा अपने किचन में आपको एक बाल्टी पानी भरकर हमेशा रखना है। रात को रखिए, अगला पूरा दिन रहने दीजिए, शाम के समय आप वो पौधों में डाल सकते हैं, फिर से भर लीजिए, उसको यूज़ भी कर सकते हैं आप। तो आपको एक बाल्टी हमेशा पानी की भर के रखनी है, खाली बाल्टी कभी भी नहीं रखनी किचन में, हमेशा एक बाल्टी पानी की भरी होनी चाहिए आपकी किचन में, जो कि आपके घर में रह रहे हर सदस्य के लिए जो उस किचन से खाना खाते हैं उनके लिए सौभाग्य गुड लक लेकर आएगी। जी दोस्तों, इसका बहुत असर पड़ता है हमारी लाइफ पर, ये बहुत आसान तरीका है अगर हम कर लें। दूसरा जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, वो ज़रूर अपनाइए और उसे रोज़ डेली ज़रूर करिए। आपको अपनी किचन में जो तवा यूज़ करते हैं हम रोटी बनाने के लिए, जो हम तवा यूज़ करते हैं मेनली उसकी बात कर रही हूँ मैं, उस तवे को आपको रोज़ साफ कर कर रात को रखना है। गंदा तवा कभी भी हौदी में नहीं छोड़ना। आपको उस तवे को जिस पे आप रोटी बनाते हैं उस तवे को हमेशा साफ कर कर आपको रखना है। इसके अलावा दोस्तों तवे को तो साफ, इससे हाइजीन भी रिलेटेड है कि हम कई लोग क्या होते हैं कि वो तवा धोते ही नहीं, बहुत दिन तवा का ऐसे ही यूज़ करते रहते हैं, उसको ऐसे गीला कर लिया, पानी से पोंछ लिया, कहीं तो पोंछते भी नहीं है, ऐसे ही यूज़ करते रहते हैं। लेकिन आपको रात को सोने से पहले तवा ज़रूर साफ़ करना है। वैसे तो कहा जाता है कि हौदी में जूठे बर्तन रखने ही नहीं चाहिए, आपको साफ करके ही सोना चाहिए, जूठे बर्तन बैड लक लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर सकते, तवे वाला काम ज़रूर करें क्योंकि उस पर रोटी बनती है, उसे साफ कर ज़रूर रखें दोस्तों। इससे भी हमारे घर किचन में जो सौभाग्य है, गुड लक हमेशा रहता है, नेगेटिविटी बाहर रहती है, गंदगी बाहर रहती है और हमेशा हम खुश रहते हैं, हमारी चीज़ें साफ रहेंगी, साफ रहेंगी तो हम हेल्दी रहेंगे और इससे दोस्तों आपका गुड लक भी हमेशा आपके साथ रहेगा। जो भी उस किचन से खाना खाएगा उसका सौभाग्य जागेगा और नेगेटिविटी बाहर रहेगी। दोस्तों आपके घर में बीमारी दूर रहेगी, आपके घर पैसे की कभी कमी नहीं आएगी अगर ये दो चीज़ें आप कर लें। जी हाँ दोस्तों, इनका बहुत असर रहता है हमारी लाइफ पर, क्योंकि किचन से हम अन्न खाते हैं, खाना खाते हैं जो हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपने ये काम कर लिए तो धन की कभी कमी नहीं रहेगी आपके घर में। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना नहीं भूलें, इससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो मैं आंचल फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, गुड बाय।